हेलो बच्चों, रात के बज गए हैं 8 और सीपी सरब है लाइव। और आज तुमको पता है ना क्या कितना इम्पोर्टेंट चलने वाला चीज है? आज आपको पता तो है ना कितनी इम्पोर्टेंट चीजें आज होने वाली हैं। आज आप पढ़ने वाले बच्चों हाइड्रोकार्बन। तो बिना लेट किए जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, हाइड्रोकार्बन हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि तो हाइड्रोकार्बन का ये फर्स्ट लेक्चर आपके लिए है। अरे कौन सी लैंग्वेज में तुम लोग बातें कर रहे हो? जरा उससे पहले हमें बता दो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं विजिबल हूं, बता दो जल्दी से। और जल्दी जल्दी से पढ़ने से पहले तुम लोग जाओ लाइक सेशन करके आओ पहले, है ना? सेशन को लाइक करके आओ, शेयर करके आओ जल्दी जल्दी, बस हम शुरू हो जा रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जाओ, शेयर करके आओ। स्पिरिट आशिका पांडे, जल्दी जल्दी तुम लोग करके आओ। चलो ठीक है, हम लोग शुरू कर दें क्या? देखो बच्चों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन जीओसी पूरी कंप्लीट है। जिसका भी जीओसी नहीं तैयार है बच्चों, जाओ और जल्दी से देखो कहाँ पर स्पेशल क्लास पे। और मैक्सिमम चीजें यहाँ भी हो चुकी हैं, यूट्यूब पर हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर अक्सर चीजें हो चुकी हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर। और हाइड्रोकार्बन में जनरली आपको तो पता ही है कि किसकी स्टडी आपको करनी है। बच्चों जरा बताओ, आपको पता है कि नहीं पता है कि हाइड्रोकार्बन में किसकी स्टडी? भाई जरा बताओ, क्या हाइड्रोकार्बन में पता है ना किसकी स्टडी करना है? जल्दी 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 फाइनल। अरे यार क्रिकेट तो देखते रहते, मुझे पता है तुम लोगों का दर्द। आज मतलब क्रिकेट आ रहा है, आज इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, उसके बाद भी सीपी सर लाइव है केमिस्ट्री लेकर के। तुम परेशान हो गए कि भाई सीपी सर क्यों लाइव है ना? सीपी सर इसलिए लाइव है कि क्रिकेट तो जीतेगा, हमारे बच्चे भी जीतेंगे, है ना? हमारे बच्चे मेंस निकालेंगे, एडवांस निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट, तुम लोग लाइक शेयर करके आ जाओ बच्चों। और हम शुरू करते हैं आपके लिए हाइड्रोकार्बन। आज ना पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही अच्छा हो रहने वाला है। बोर्ड आपका, बोर्ड देखना तुम लोग, ठीक है? आज इंडिया भी जीतेगा और बच्चे भी जीतेंगे। तो बच्चों तुम लोग लास्ट तक रहना, है ना? कोई जाना नहीं। और देखो मैं तुरंत अभी तुम लोगों को जीत का अनाउंसमेंट यही इसी चैनल से करता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। बस तुम लोग तब तक केमिस्ट्री पढ़ लो ना, केमिस्ट्री में ही सब मिस्ट्री छुपी हुई है। केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो इसीलिए जो हो रहा था हो रहा था। तो हम लोग शुरू करते बच्चों, व्हाट इज, देखो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज ब्रीफ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे ऑफ एल्केन्स, पहले हम एल्केन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, देन हम पढ़ने वाले हैं देखो मैं ना एल्केन्स का इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जो हाइड्रोकार्बन है वो मेनली तीन चीजें पढ़नी होती है आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन्स और फिर बेंजीन रिंग, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मैं एल्केन आज शुरू कर दूंगा किसी भी हाल में। तो बच्चों हम लोग आज ब्रीफ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन करने वाले हैं। अब एक बात तुम लोग समझ लो बेटा, जो हाइड्रोकार्बन होता है इसका नाम ही देखो क्या पड़ा हुआ है, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स क्या होता है बच्चों? कार्बन मीन्स अपना प्यारा सा कार्बन, चार वैलेंसी वाला, टेट्रा वैलेंसी वाला हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है? हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। तो द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप कहते हो ना कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा बच्चों। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, लाइक शेयर करते रहो, है ना? बराबर, अगर नहीं करोगे तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये कुनोस्त नंदू क्या कह रहे हो भाई? तुम्हारी तो लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रही, तुम लोग पता नहीं क्या कह रहे हो। हाइड्रोकार्बन्स क्या पढ़ना है बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स, चलो जरा सोच करके बताओ क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन। सोच करके जरा तुम लोग बताओ कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कह रहे केमिकल बॉन्डिंग की लाइव हीरा, केमिकल बॉन्डिंग आ जाएंगे परेशान मत हो, केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगी परेशान मत हो। अभी पहले हाइड्रोकार्बन को शुरू करते हैं, देन हम इनऑर्गेनिक की भी शुरू कर देंगे, परेशान मत हो, ठीक है? आप लोग वही लेना। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है? एक बात बता दें, ये सेशन आपके लिए फ्रेशर के लिए, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रहती है, मेरे क्लास में जो बच्चा आता है मैं समझता हूँ बहुत ही बेसिक से लेकर के हाई लेवल, ठीक है? तो मैं बहुत ही बेसिक से, मुश्किल से आपके 10-15 मिनट बेसिक इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग कर देंगे।
ठीक है। तो देखो हाँ बेटा, बस हेलो एल्केन्स इसके बाद ही आने वाला है, परेशान मत हो। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन कहते हो बच्चा, क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन का तो नाम ही स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन भी पड़ा हुआ है और उसमें कार्बन भी पड़ा हुआ है, तो उसे आप बोलते हो बेटा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब चले हम लोग अच्छा, अब देखो हाइड्रोकार्बन के बाद आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन और कार्बन के रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, क्या होता है बेटा, देखो इनका जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, अच्छा खासा रोल है। कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ आवर फ्यूल्स वी कैन यूज डेली लाइफ, एलपीजी जानते हो, बस बहुत जल्द करवाने वाला हूँ बेटा एलपीजी के लेटेस्ट, सॉरी क्यूआईक्यू जल्द करवाने वाला हूँ, आप परेशान मत हो, कोई परेशान नहीं होगा, बस जल्दी करो। चलो चलो हम लोग करते हैं, देखो करना क्या है अपने को ये करना है कि भैया एलपीजी है, एलपीजी में क्या भरा हुआ है, हाइड्रोकार्बन ही तो भरा हुआ है, गैस चूल्हा देख रहे हो, देखो ये सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर क्या काम करता है जरा बताओ, सिलेंडर के अंदर गैस होती है कौन सी, एलपीजी, फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जरा ध्यान से समझना बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस का लिक्विफाइड रूप है। पेट्रोलियम गैस क्या है, पेट्रोलियम गैस आपकी है जो पेट्रोल होता है ना उससे आप गैस जो बनाते हो उसको आप बोलते हो पेट्रोलियम गैस, और उसका रूप कैसा होता है, लिक्विफाइड होता है। सर कुछ समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस को लिक्विफाई किया गया है। अब आपको पता है ना, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं बेटा, गैस को लिक्विफाई हम ऐसे करते हैं, गैस पर प्रेशर लगा दो तो क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। क्या हुआ बेद, हंस क्यों रहे हो गौरव, पीआईक्यू स्टार्ट कर दीजिए, इंट्रोडक्शन अभी नहीं करोगे क्या, भाई इंट्रोडक्शन कर लो पीआईक्यू, तो इसी में क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, परेशान मत हो, जो हम पढ़ाते रहेंगे उसके पीआईक्यू करवाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसका लेकर के आऊंगा, परेशान मत हो। देखो क्या है, एलपीजी है, ठीक है, इसके बाद अगर हम बढ़े बढ़े सीएनजी है, सीएनजी कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस, एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आता है कोई बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, है ना, तुम लोगों को थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, बस परेशान मत, मैं पीआईक्यू क्वेश्चन अभी यहीं करवाऊंगा, परेशान मत। देखो दीज आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर में आप जानते हो एथिलीन मेथिलीन, है ना, एथिलीन मेथिलीन ये सब यूज होते हैं। सर कैन बी क्रैक जेई, बेटा मुश्किल है, इतना ज्यादा तो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ ठीक है। देखो दीज आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर आपके पॉलीथीन हो गया, पॉली जो है पॉली फिनाइल हो गया, है ना, आप देखो पॉली विनाइल आपका पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना, पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी अपना जो वो बनती है ना, पाइप वगैरह बनाई जाती है, पॉलीप्रोपाइलिन पॉलीस्टाइरिन, दे आर ऑल्सो यूज एज द मैनुफैक्चर ऑफ डाई, डाई जानते हो कलर होता है, और ड्रग क्या होता है, दवाएं होती हैं, दवा और कलर यूज कर बनाने में मदद होता है हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देखो बेस्ड ऑन द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स दे आर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन को, हम क्लासिफाइड कर सकते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक में, तीन ही प्रकार हमें पढ़ना भी है, ध्यान रखें, यहाँ पर हमें सैचुरेटेड पढ़ना है, अनसैचुरेटेड पढ़ना है और एरोमेटिक पढ़ना है। अनिरुद्ध हेलो बेटा, देखो सैचुरेटेड पढ़ना है, सैचुरेटेड पढ़ना है, अनसैचुरेटेड पढ़ना है और एरोमेटिक पढ़ना है। देखो आपको मैं बता दूं, कुछ बच्चे जो सैचुरेटेड नहीं जान पाते, अनसैचुरेटेड में अंतर नहीं समझ पाते,
उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऐसा, जिसके माध्यम से आप पूरी तरीके से जान जाओगे कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है। बेटा जितने बच्चे नए जुड़े हो प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहो, अगर लाइक शेयर आप नहीं कर रहे हो तो मुझमें डिमोटिवेशन आ जाएगा, है ना, और हम नहीं चाहते कि मुझे मैं डिमोटिवेट हूँ और आपके लिए कुछ गलत हो, है ना। आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और मैं पढ़ाऊंगा, आप परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो लाइक से सर सेशन को लाइक शेयर करते रहो, जिससे थोड़ा सा। अब देखो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक। देखो एक बात तुम लोगों ने सुनी होगी सॉल्यूशन चैप्टर में, या फिर मैं बता दे रहा हूँ, सेचुरेटेड किसे कहते हैं। सेचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें अब और ऐड ना हो पाए। लाइक मेरे पास दो हाथ हैं और दो हाथ में मैंने इसमें भी पेन पकड़ रखा है, इसमें भी पेन पकड़ रखा है, लिमिट ये है कि एक हाथ में मैं एक ही पेन पकड़ सकता हूँ। जरा तुम लोग सोच करके बताओ क्या मैं सेचुरेटेड हो गया कि नहीं सेचुरेटेड हो गया। सेचुरेटेड का मतलब यहाँ पर यह है, अगर आपके पास जितनी कैपेसिटी थी उतनी पूरी कर दी गई है, इसके आगे अब नहीं जुड़ सकता है या इसके आगे अब कोई चीज नहीं ऐड हो सकता, उसे आप बोलते हो सेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि अभी भी जुड़ने की गुंजाइश है, अभी भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो लाइक अगर हम बात करें CH4 की, जरा बताओ कार्बन की बैलेंसी बच्चों कितनी होती है, चार होती है, चारों हाइड्रोजन यहां पर जुड़े हुए हैं, चार बैलेंसी में चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अब कहां से जोड़ दोगे, ना बाबा ना, अब नहीं जुड़ने वाला है, ये क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया, ठीक है। ये देखो कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड, जरा एक बात बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी थी बच्चा, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, चार, लेकिन दिक्कत ये हुई ना, एक कार्बन दो दो बार से जुड़ा हुआ है ना, मतलब दो दो लड्डू खा गया, अब क्या होगा। गौरव कह रहे हैं PYQ आज नहीं होगा, बेटा ट्राई तो कर रहे हैं PYQ, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अब देखो क्या है, फोर होता है, जुड़ा कितना हुआ है, चारों बैलेंसी यहां पर पूरी है, बट एक कार्बन ना एक हाथ में दो दो लड्डू लिए बैठा है, अभी इसमें गुंजाइश है, दो लड्डू नहीं, पहले एक एक सबको मिल जाएगा, देन सबको मिलेगा, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा, अभी इसमें एक एक हाइड्रोजन ऐड होने की जरूरत है। तो जनरली आप ना, हाँ आप ना बहुत ज्यादा नहीं करोगे, सेचुरेटेड में आपका आ जाएगा एल्केन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में आपका आ जाएगा एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एरोमेटिक में लूसीफर, तुम आज इतने दिन बाद तो आए हो, आई हो, बेटा हाँ आ तो जाना चाहिए। एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक आपका रूल होता है इसके, एरोमेटिक के कुछ उनको जो है करना है, ठीक है। अब देखो लाइक ये देखो एग्जांपल मैंने बना दिया, ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्कीन है, और ये आपका बेंजीन है, और ये आपका एल्काइड है। बेटा देखो मैं बता दूं, वेद जी आप कहीं ना कहीं बात को समझिए कि नंबर देखो, एक होता है समझ में आना, एक होता है समझ में आना, आपको ना अगर सच में आप सिंसियर हो, आपको लगता है कि इसी साल निकालना है, तो सबसे पहले तो एक व्यवस्थित ढंग से बैच ले लो, ठीक है, बैच ले लो। आप जब बैच ले लोगे उसके बाद पढ़ाई करोगे अगर, तो आपके आपका जो डेडिकेशन होगा, आपकी जो कंसिस्टेंसी होगी और आपकी जो कंटिन्यूटी होगी, तीनों में बहुत ज्यादा, तीनों में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। और जब एक बार आप सुधर गए ना, अपने आप को संभाल ले गए, अभी क्या कर रहे हो, अभी आप पढ़ने आ रहे हो, बट मैं बता रहा हूँ आप देखो, मैं जानता हूँ, एक बार ना मेरे साथ ऐसा साइकोलॉजिकल खेल हुआ था। देखो जब कोई चीज आप फ्री में करते हो ना, जब आप पैसे नहीं दे करके करते हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं होती। मुझे पता है आप कर तो रहे होगे, पढ़ने की कोशिश तो कर रहे होगे, बट आप ना वो तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी आ नहीं रही होगी कि सर यही इससे निकालना है। कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब से, बेटा मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब से आप यही नहीं क्रैक कर पाओ, ठीक है। यूट्यूब से आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट हो सकती है, आपका बेस तैयार हो सकता है,
बट जेई जैसा कंपटीशन आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से नहीं कर पाओगे। अपनी नहीं मतलब अपना अनअकैडमी अटेम्प्ट्स तो है ही है, आप अगर सोच रहे हो कि कोई फ्री में पढ़ा करके निकलवा देगा तो बहुत मुश्किल है बेटा, है ना। हाँ ये है, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको चीजें बहुत अच्छी बताई जाएंगी। मैं देखो आप ना, मैं जितना पढ़ाऊंगा, उतने ही तो आप जान पाओगे, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही तो जान पाओगे। मेरे पास अगर इतना डीप पढ़ाने का वो जो है इतना ही वो है, तो आखिर में कंपनी जो है क्या है। अब देखो वहां पर क्या करना है, क्लास अगर आप परचेज कर रहे हो, आप CP15 कोड यूज करो, सस्ते में क्लास पा जाओ, तो बढ़िया आराम से चुपचाप पढ़ो, है ना। हेलो खुशी, चलो अब देखो, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि टू कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं एल्केन। अब देखो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है साइक्लो एल्केन्स, ठीक है, एक होता है एल्केन्स और एक होता है साइक्लो एल्केन्स, ठीक है, एक होता है एल्केन्स, एक होता है साइक्लो एल्केन्स। हाँ वेद जी देखो एक्चुअली क्या है ना कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो मान लो आप ऑर्गेनिक में अच्छा ले भी आओगे तो बाकी सब्जेक्ट अगर आपके पुअर है या कोई दिक्कत है तो उनको कैसे तैयार करोगे, तो आपकी बेस तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो देखो व्हाट आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम उसे कहते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन इसके बाद में व्हाट आर साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं बेटा, साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, देखो द सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड ही, कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एटम इन अ क्लोज चेन और अ रिंग लाइक कॉल्ड साइक्लो एल्केन। जब कोई हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड का मतलब जुड़ने की जगह तो नहीं, वैलेंसी पूरी, है, जुड़ने की कोई इधर गुंजाइश नहीं है इसके चक्कर में मतलब, ठीक है, उसे बोलते हैं सेचुरेटेड। तो जब कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ जाता है, तो उसे आप बोलते हो साइक्लिक रिंग या फिर, बच्चों क्या बोलते हो, साइक्लो एल्केन, क्या बोलते हो आप, साइक्लो एल्केन बोल। वेद क्या आपको बुरा लग गया क्या, आप ना टेस्ट सीरीज जो है अभी मैं दिखा दूंगा आपको, टेस्ट सीरीज जाकर के ले लो, वहां भी आप CP15 कोड यूज कर लेना, आपको सस्ती मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, CP15 कोड यूज कर लेना। जब आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लोगे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो वहां पर सब्सक्रिप्शन के प्लान आते हैं ना, तो आप टेस्ट सीरीज CP15 कोड यूज कर लोगे तो आपको 20% 30% आपको छूट भी मिल जाएगा। इट्स डी कंपनी कह रहे हैं सर जी, सिग्मा और पाई बॉन्ड में कन है, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ गौरव, आप टेस्ट सीरीज जा करके खरीद सकते हो, है ना, CP15 कोड आप यूज कर लो। और जैसे आप ना, अभी मैं आपको दिखा दूंगा टेस्ट सीरीज कौन सी हमारे पास, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, मतलब बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे टीचर मिल करके रिसर्च करके देन टेस्ट सीरीज बनाते हैं, आप एक बार टेस्ट देख करके देखोगे तो आपको मजा आएगा, है ना। तो आप CP15 वहां पर कोड यूज कर लो, और CP15 कोड यूज करोगे तो आपको और भी सस्ती मिल जाएगी, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, इवन क्लास भी बहुत कम अमाउंट में प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो। देखो अब आपको ये नहीं शिकायत कर सकता कि सर हम पैसे की वजह से कुछ नहीं, देखो इतनी बड़ी कंपनी इतने कम पैसों में कोर्स प्रोवाइड करवा रही है, आपका रिवीजन तो यूं चुटकी में हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा बेस सही रख कर रखा है। जो वेद जी पूछ रहे थे, आप यहाँ पढ़ करके अपना बेस सही, और जब आपका बेस सही हो जाएगा आपको वो जो ड्रॉपर वाला बैच होता है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इतना सस्ता बैच मिल रहा है, अगर कोई बच्चा अब भी ब्लेम कर रहा है कि सर मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा झूठा है, वो फिर मेहनत नहीं कर, ठीक है, इतना सस्ता कोर्स है, उसमें भी आप कोड मेरा यूज करोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। गौरव आप ना, रुको मैं बता रहा हूँ, आप ना क्या करो, हमारी टेस्ट सीरीज को मैं दिखा रहा हूँ,
ये हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज से, हाँ आप टेस्ट सीरीज जब ये वाला ले लोगे आप ना आपके अंदर अपने आप सुधार आ जाएगा, आपके अंदर अपने आप बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा, आप प्रत्याशित सुधार जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बैच लेना चाह रहे हैं, वो बच्चे ना ये वाला फेस्टिवल ऑफर तो फिलहाल खत्म हो गया 45 वाला, बट अभी भी ये बैच आपके लिए है, ठीक है, अभी भी बैच है। थोड़ा सा पैसे ज्यादा लग रहे हैं ना, मतलब इतनी छूट नहीं है, इसीलिए तो हम तुम लोगों से कहते थे कि उस बीच में ले लो जब सस्ता था, तो तुम लोग जो है उस पे जो है एग्री नहीं किए गए, है ना भाई। अगर वहीं पे ले लेते तो जिसमें तुम टेस्ट सीरीज ले रहे हो उतने पैसे में तो सारा कुछ मिल ही जाता है ना, सारा कुछ मिल जाता आपको। चलो अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ही चूज करना चाहते हो तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज आप ले लो, ठीक है, कम पैसे में मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज, और इससे कम में तो नहीं मिलेगा कहीं पर। है ना सर, कौन सा बैच ले, नेक्सस वाला? अब देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सारे टीचर के लगभग वीडियोस तो पड़े हुए हैं, आप लोग ना एक एक बार देख लो उसको, सर कौन सा सही है ना, देन आप लो जो सही लगे, है ना। तो वो तो मैं आपके करने पे मैं डिसाइड करूंगा, आप जो पसंद करते हो वो ले लो, मैं नहीं कह सकता। हाँ बट ये ध्यान रखना कि अगर आप वहाँ पर CP3 कोड यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, और एक मैजिकल डिस्काउंट है इस समय तो, है ना, इस समय मैजिकल डिस्काउंट है, मतलब अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और मुझे लगता है हर बच्चे को ले लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बेटा, सिर्फ 9,999 रुपये में मिल रहा है, 9,999 रुपये में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9,999, कोई बड़ी बात नहीं होती आपके लिए, है ना, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा CP15 कोड यूज़ करोगे तो। हाँ कौन सा बैच लो इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप एक बार ना ट्राई करके देख लो कौन से टीचर आपको समझ में आ रहे हैं, कैसे टीचर समझ में आ रहे हैं। पार्थ दिव्यांश कर, देखो 9,999 रुपये का है, उसमें जब आप CP15 कोड यूज़ करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ठीक है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जब अगर मान लो इस कोर्स को आप परचेज कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो अब इससे आसान और क्या है, 10,000 रुपये में भी अगर मिल रहा हो डिस्काउंट, ना भी मिल रहा होता तो भी ये बहुत बेनिफिशियल था आपके लिए, है ना। आप पहले तो क्या करो पार्थ, आप पहले क्या करो अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, ठीक है, अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद में कम से कम 20% का तो है, कम से कम 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, आप ना वहां से कर सकते हो, और मुझे लग रहा है बहुत ही आपको सस्ता मिल रहा है ना, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और सस्ता ही है। सिक्स नवंबर के बीच में लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, और मुझे लग रहा है कि आप ना अच्छा कर ले जाओगे, है ना, क्योंकि ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, पार्थ ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, और इसको अगर आप परचेस कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपके पास काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, है ना, लाइफ में मतलब क्या है, JEE में आप बहुत अच्छा करने वाले हो अगर आपने ये कोर्स परचेस कर लिया और मॉक टेस्ट आपने अगर ये ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है कि IIT JEE के लिए है, ठीक है, सारे बच्चे मुझे लग रहा है इसको परचेज कर लेना चाहिए सारे बच्चों को, कि ये बहुत ही बेहतरीन है और आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला, ठीक है। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे अब आ जाते हैं, है ना बच्चों, इसको आप परचेज कर लो, है ना, सभी लोग परचेज कर लो, मैं तो ये कहूँगा। हाँ तो बहुत बढ़िया है पार्थ, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आप ना अभी आपको क्या करने की जरूरत है, अभी आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है,
आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने तैयारी आपकी अच्छी है, एक बार आप मॉक टेस्ट देकर के देख लो, आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। आप खुद जान जाओगे कि आप किस लेवल के हो, क्योंकि देखो जब तक होता क्या है बेटा, जब तक ना सर हम उनसे कैसे कंप्लीट करेंगे जो 9 से तैयारी कर रहे हैं, तो हम बता दें। देखो डरा ना करो यार, देखो अभी ना मतलब हाँ पढ़ा रहे वेद बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ना रामायण, मतलब रामायण का बहुत अच्छा चलन था, बस 2 सेकंड रुक जाओ। और पता है रावण को जलाया गया, दिवाली मनाई गई, ये सब कुछ हुआ। हम लोग सोचो, एक राजा का लड़का, राम भगवान थे वो तो बाद में थे, बट उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि भगवान वाला हो, यहाँ से बैठे बैठे तीर मार दिया और रावण की लंका जल गई? नहीं, बाकायदा उन्होंने एक एक स्टेप पे जैसे उस व्यक्ति करता है वैसे उन्होंने अकेला बन निकला, और अकेले बन निकलने के बाद पूरी पूरी सेना तैयार खड़ी, और इतने बड़े रावण मतलब इतने योद्धा, ठीक है। इतने बड़े बड़े योद्धा उनको परास्त करके आ। तो देखो हमें हमारे अंदर डर नहीं होनी चाहिए। अगर आप डर गए ना, गब्बर सिंह का डायलॉग सुना है, जो डरा वो मरा, है ना। अगर आपको डर लग रहा है कि सर हम उनसे कैसे कंपटे, अरे वो कुछ नहीं जानते भाई, आपसे अच्छे थोड़े हैं। आप एक बार मॉक टेस्ट दे करके तो देखो, आप मॉक टेस्ट दो पहले। मोटिवेशन का कीड़ा क्या रिप्लाई करें बेटा, क्या रिप्लाई करें? आप बेस्ट हो, है ना। आप हमेशा ध्यान रखो, आप उनसे बहुत अच्छा करोगे, बस तुम्हारे अंदर जानते हो किस चीज की कमी है, कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा आपको पता है? कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। इसे कभी सोचना भी नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगे। तो अगर मॉक टेस्ट लेने का इरादा है तो आपका बहुत अच्छा इरादा है, आप अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप कम पैसे में पा रहे हो, आप जा करके। हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर वहां पर जा करके आप CP15 कोड यूज कर ले रहे हो तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। समावेश गोयल कह रहे सर बिर्च रिडक्शन बताओ। बिर्च रिडक्शन बेटा अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। नेमिंग रिडक्शन जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। आप अपने टाइम पे वर्ल्ड कप देखते थे? मैं अभी अपने टाइम पे, तुम बात कर रहे हो, मैं अभी नहीं देखता हूँ वो। एक्चुअली मेरे पास इतना समय थोड़ा रहता है कि मैं वर्ल्ड कप देखूंगा। इंजॉय कर रहे हैं वो लोग, खेल रहे हैं वो लोग, क्रिकेटर लोग, और पता चले समय अपना वेस्ट कर दें, है ना। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू हो रहा है अपना एल्केन्स, तो कितना प्यारा सा एल्केन्स, देखो इधर देखो, वहां ऊपर आया फिर ये देखो। एल्केन्स आर इनर्ट, व्हाट इज इनर्ट? इनर्ट क्या होता है बच्चे? एल्केन्स आर इनर्ट, एल्केन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, हेंस कॉल्ड पैराफिन। व्हाट इज इनर्ट? इनर्ट का मतलब क्या होता है? देखो इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन ना करता। जरा ये बताओ कि एल्केन्स जो होता है उसकी चारों वैलेंसी जब पूरी है तो भैया वो रिएक्शन किस मुंह से करेगा और क्यों करेगा? नहीं करने। तो एल्केन्स की रिएक्शन यानी एल्केन्स की जो वैलेंसी है वो पूरी है तो वो किस तरह बिहेव करता है बेटा? इनर्ट की तरह बिहेव। इसीलिए उसका नाम क्या है? पैराफिन्स। क्या नाम है बेटा? पैराफिन्स नाम बच्चों, क्या नाम है? पैराफिन्स। आप लोग बेटा सेशन को लाइक शेयर करते रहो प्लीज। ठीक है, एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। बेटा ओम वाजपेयी जी, बेटा तुम स्टूडेंट हो, हम आपके टीचर हैं, तुम्हारे कमेंट का मुझ पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? तुम्हारे कमेंट का मेरे ऊपर इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि तुम को जो है डाइवर्ट कर ले जाओ। दीज आर सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन, उन्हें आप एल्केन कहते। क्या कहते हो? एल्केन, जो सिंगल बॉन्ड कंटेन कर,
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, उन्हें आप एल्केन बोल। जैसे आपका मीथेन आ गया, आप देखो मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर, मीथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर है, पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर एल्केन का, क्योंकि एक नंबर से नीचे कार्बन तो होता नहीं है, तो एक नंबर कार्बन आपका फर्स्ट मेंबर है। फाउंड इन कोल माइंस मार्सी प्लेस, मीथेन को ना मार्स गैस निकलती है वहां से, मतलब कीचड़ वाली जगह से निकलता है गैस, ठीक है, hence also called Mars gas, मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है क्योंकि ये दलदल वाले स्थानों से निकलता है जहां कीचड़ होती है, इसीलिए धान की खेती जब होती है तो मार्स गैस बहुत निकलती है, मार्स गैस खूब तगड़ी निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां से मार्स गैस निकलती है। फॉर्मूला क्या है आपका एल्केन का, CH4 है, C2H6 है, ये सब के सब एल्केन बनेंगे। ये देखो ना दलदल वाले स्थानों पे, देखो मार्सी प्लेस है कि नहीं है, जैसे धान की खेती जो होती है अपने यहाँ, धान की खेती अधिकतर दलदल वाले स्थानों पर, दलदल का मतलब कीचड़ वाले है ना, मार्सी प्लेस पे ही होती है। तो देख रहे हो ना, ये देखो आपका रिवर है या फिर हिल टाइप का है, उसमें देख रहे हो ये मार्सी प्लेस है, यहाँ से चलती है कौन सी गैस, CH, यहाँ पर देखो कोल माइंस है ना, ये देख रहे हो क्रेन लगी हुई है, जेसीबी लगी हुई है, और जेसीबी खुदाई कर रही, किसकी किसकी खुदाई कर रही बेटा, कोल माइंस की, ठीक है। चलो बेटा देखो, आप लोग ना सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, शेयर नहीं करते हो तो थोड़ा सा मतलब, हम अगर आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी तो मेरे लिए कुछ करो। जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है एल्केन का आपको पता है, N H2N+2। अब इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करोगे आप जितने नंबर आप कार्बन लोगे, मान लो आपने कार्बन 2 लिया तो हाइड्रोजन कितना लोगे, 2+ कितना हो गया C2, 2 गुना आप हाइड्रोजन ले लो, पहले 2 गुना हाइड्रोजन लोगे अगर कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन लोगे तो आपका हो जाएगा 4+2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा C2H, ठीक है। तो फॉर्मूला मुझे लग रहा है CnH2n+2 होगा, और मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। वेद मेरे लिए तो तुम ही अकेले बहुत हो, ठीक है, मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए नहीं। एन क्या है यहां पर, 1, 2, 3, ठीक है। लो वेद अब देख लो, 1, 2, 3, एन क्या है, नंबर है कोई, ठीक है, एन क्या है, नंबर है। दूसरा बात है एल्केन का फॉर्मूला CH4, देखो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है CnH4 पे, CH4 पे अप्लाई हो रहा है। एक कार्बन आपने लिया, कार्बन 1 चुना तो हाइड्रोजन कितना लोगे, 2 गुना, 2+ ऐड कर दोगे क्या बन गया, CH4 बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला डेराइव हो जाए, ठीक है। मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्स गैस और फायर डैम, है ना। इफ एन इज इक्वल टू 2 तो देन C2H6 बन जाएगा, 3 होगा तो C3H8 बन जाएगा, 4 होगा तो 4। द सीरीज ऑफ कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, सही से रिएक्शन तो अब आएगा। राजश्री भोसले कह रहे हैं कि सर इनफ फॉर जेई मेंस। देखो बेटा पहली बात तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जेई मेंस कैसे इनफ हो सकता है ये। देखो मैं अगर आपको, आपसे सिर्फ जो है झूठ बोल रहा हूँ या आपको तसल्ली देना हो तो मैं कह दूँ हाँ ठीक है जेई मेंस, बट आप ना पहली बात तो यहाँ पर यूट्यूब पर ना डीप हम जा ही नहीं पाते जितना डीप जाना चाहिए। अगर आपको डीप में पढ़ना तो सबसे पहले आप स्पेशल क्लास पे आइए, वहां पर आपको ना अपने बेस का अंदाजा हो जाएगा कि आप किस लेवल की हो, कितनी आपको नई जानकारी मिली हो, कितनी आपको पुरानी जानकारी थी जो कि आप जानते थे। देन उसके बाद अगर उसके बाद भी आपसे ना हो PYQ वगैरह तो आपको कोर्स परचेस करना पड़े, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ से सही है, अगर आप स्पेशल क्लास पे आते हो तो आप
कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आएगा आएगा, इसकी मैं गारंटी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा इसकी मैं गारंटी, है ना। आप स्पेशल क्लास पे आओ और परिणाम आप खुद देखो। सर रिड्यूस, देखो बेटा क्या करना है ना, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस रखो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, बात खत्म। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड विच कैन रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला एंड द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड CH2 बाय द फॉर्मूला एंड 14 बाय वेट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। लाइक CH3 सॉरी CH4 में क्या ऐड करना है, CH2 ऐड करना है तो क्या बन गया C2H6, फिर CH2 अगर ऐड कर दिया तो C3H8 बन गया, फिर और ऐड कर दिया C4H10 बन गया, है ना। ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है ना, CH2 ग्रुप को जोड़ते हुए। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एल्केन्स जो होता है ना उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहो, सेशन को बेटा लाइक शेयर करते रहो। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब अगर शेप इसका टेट्राहेड्रल है बच्चा, सोचो जरा क्या होगा, शेप इसका टेट्राहेड्रल अगर है, अब आपको भी पता है कि क्या होने वाला है भाई, शेप अगर टेट्राहेड्रल है इसका मतलब है, शेप अगर टेट्राहेड्रल है इसका मतलब है कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है। अब हम लोग आगे देखते, अब हम लोग आगे देखते जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं बताता हूं। जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये रटने वाली चीज, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो कितना होती है, 155 पैरामीटर होता है, यानी 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है बॉन्ड लेंथ, यानी जो कार्बन आपने ऐसे बनाया या हाइड्रोजन बनाया, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आपका 1. इनके बीच का होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा वो होता है 1.12 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 1.12 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, चलो नेक्स्ट। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, और मुझे शेप दिखाने की इस बार कोई जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा और अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, प्लेन पे रह नहीं सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको घुमा दिया है, ठीक है। लगभग आप सब देख रहे हो जैसे नाच रहा है ऐसे ही नाचेगा, ठीक है। नाचने का ऐसा नहीं होगा, हो सकता है एस्टेब्लिश हो, मतलब मैं इसलिए इसको राउंड अप किया कि आप तीनों चारों तरफ से देख सको, आप 3D में इनमें से देख सको कि टेट्राहेड्रल का शेप कैसे, लाइक कैसे होता है, ट्राइपोड के जैसा होता है, मतलब तीन ऐसे निकले हो और एक ऊपर ऐसे निकले, ठीक है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल शेप क्या है, आपका टेट्राहेड्रल, आपका टेट्राहेड्रल शेप है, और ये आपका एट द मतलब कॉपी पे जो बनाने का तरीका है वो आप लोग ऐसे बनाते ऐसे, तो मुझे लग रहा है आपने दोनों देख लिया है, तो बच्चों ये तो देख ही लिया है ना, दोनों देख लिया अच्छे से कि नहीं देख लिया। हाय एवरीवन, ठीक है आगे बढ़े हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ अगर एल्केन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका है CH3 का CH3, ठीक है, दो CH3 लगे हुए हैं, CH6 लिखा हुआ है, ये C2 था, ये आपका C3H, आंसर। अब देखो अगर हम डैश वाला जो है बॉन्ड डैश वाला फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो आप देख रहे हो C2H6 का फॉर्मूला इस तरह से और C3H7 का फॉर्मूला
सुमित जी, मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन किसी के कहने से नहीं आता बेटा। मोटिवेशन जो होता है वो किसी के कहने से नहीं आता। मैं एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बताता हूँ बेटा। सुमित वन सेकंड प्लीज। देखो ये इस तरह से सॉलिड लाइन बनता है, आप जानते होगे मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर आपके बीच ये कार्बन मिल रहे हैं तो इनको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे। हाँ सुमित जी देखिए, अगर आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है तो आप दूसरे की बातें ना, देखो एक बात होती है ना, गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो चलेगी वो, ठीक है, कुछ देर चलेगी, कुछ देर चलेगी। बट अगर परमानेंट चलाना है ना, तो कोई ऐसी एनर्जी का जुगाड़ करो कि जो खत्म ही ना हो बेटा। देखो मोटिवेशन एक एनर्जी है सुमित जी, मोटिवेशन एक एनर्जी है, ऊर्जा है। कहाँ से पैदा होती है ऊर्जा? दिमाग से पैदा होती है। एक ऐसी वजह बनाओ, एक ऐसी आपको ढालो, आप ऐसा ऐसी जरूरत पैदा करो, क्या पढ़ना है उसके बिना नहीं। उम्मीद बस हो गया मोटिवेशन भाई। मोटिवेशन अगर मैं कुछ वर्ड से कर दूंगा वो मोटिवेशन, मोटिवेशन जब तक आपके अंदर खुद नहीं ये पैदा हो रही है आप मोटिवेट, ठीक है। देखो तो एक है स्टेट चेन और दूसरा है ब्रांच चेन। एक है स्टेट चेन और दूसरा है ब्रांच चेन, ठीक है। स्टेट चेन एल्केन्स में इस तरह होता है, ब्रांच चेन आपका एल्केन, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स ऑफ एल्केन्स की अगर हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं तो पहला है आपका प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। सेकेंडरी दूसरा है जो दो कार्बन से जुड़ा हो, और टर्शरी कार्बन क्या होता है जो थ्री कार्बन से। जैसे मान लो ये आपका प्राइमरी है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, या आपका सेकेंडरी है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये आपका टर्शरी। अभी मैं आपको करवा भी दूंगा एग्जाम्पल वैसे भी, ठीक है। और मान लो चारों जुड़ गए तब क्या होगा बच्चा? अगर चारों जुड़ गए ना, जैसे चार कार्बन, मतलब आप प्रायमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी आप ऐसे याद रखोगे कि अगर एक कार्बन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी है, दो जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है, तीन जुड़ा हुआ है तो वो क्वार्टरनरी। समझ में आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है? द कार्बन एटम विच अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम आर कॉल्ड प्राइमरी। का एक ही से जुड़ा हुआ हो उसे आप प्राइमरी कहते। बेटा सेशन को लाइक शेयर करते रहो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। जो दूसरा है सेकेंडरी क्या होता है? जो टू कार्बन से कंटेन होता है, दो कार्बन से जुड़ा होता है उसे आप सेकेंडरी बोलते हो। तीसरा थर्ड वाला तीन से जुड़ा होता है, क्वार्टरनरी वाला चार से जुड़ा होता है उसे आप क्वार्टरनरी। अब देखो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो मैं जो जो कार्बन रेड कर रहा हूँ वो क्या है? अब देखो ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन पर्टिकुलर कितने से जुड़ा हुआ है बेटा? ये वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ है? केवल एक से जुड़ा। क्या और भी कहीं जुड़ा हुआ है? क्या तीन हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? तीन से जुड़ा, एक ये और एक ये, तो कितने डिग्री हो गया बेटा? ये वाला कितने से जुड़ा हुआ है? एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा, यानी टू। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, ठीक है। तो मैं सारा इरेज करके आपको एनिमेटेड वाला दिखाता हूँ। देखो सेकेंडरी और टर्शरी पहचान लो, क्वार्टरनरी। ये वाला कार्बन आपको पहचान में आ रहा होगा कि क्वार्टरनरी, ये वाला मतलब एक ही है ना, ये वाला कार्बन क्वार्टरनरी। क्यों? कितने से जुड़ा है? एक दो तीन चार। मुझे लग रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और क्वार्टरनरी आपको समझ में आ गया हो। बताओ बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ सब लोग, क्या समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग जल्दी बता दो बेटा, आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं? आपको तो पता है नॉमनक्लेचर में मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं समझ में आया भाई? देखो इस तरह से बना हुआ था, यहां सी एस थ्री, यहां सी एस थ्री, यहां सी एस थ्री। अब देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल एक से तो जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री हो। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? थ्री से, वन टू एंड थ्री, ये 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक,
दो तीन चार से जुड़ा, यानी ये क्या हो गया क्वार्टनरी या फिर 4 डिग्री हो गया, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया, आप लोग बेटा लाइक शेयर करते रहो प्लीज। अब इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह जो है मैंने करवा रखा है, उसको प्लीज आप करते रहो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हमने करवा रखा है, प्रिपरेशन हम आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिपरेशन के लिए तुम लोग कमर कस लो, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए ना मतलब यहाँ पर रिएक्शन होंगे, और प्रिपरेशन आपको अगर समझना है तो रिएक्शन। तो पहला क्या है, फ्रॉम अनसेचुरेटेड से पहले फॉर्म करना है, फ्रॉम अनसेचुरेटेड से करना है, अनसेचुरेटेड इससे करना है बच्चों, अनसेचुरेटेड से, ठीक है। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन से, एल्कीन एंड एल्काइन से फॉर्मेशन करना है, प्रिपेयर करना है, एल्कीन और एल्काइन से प्रिपेयर। इसके बाद में एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से आपको क्या बनाना है बच्चा, एल्केन बनाना है। हम लोग बना करके देखेंगे विथ मैकेनिज्म, आप परेशान मत हो, आपको सब कुछ बताएंगे आप, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले सेशन को लाइक शेयर कराओ पहले जाओ, ठीक है। मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग लाइक शेयर करो, है ना। इसके बाद में फ्रॉम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, फ्रॉम साल्ट ऑफ कार्बो, अरे जाना नहीं था तुम लोगों को भाई, तुम लोग तो चले ही गए, अरे शेयर करके तुरंत आ जाना था। तो फ्रॉम अनसेचुरेटेड से हम लोग करते हैं, क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का रिएक्शन कराते हैं, एल्काइन्स का रिएक्शन करवाते हैं विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनेनिक। आज ही बताया रेनेनिक, पिछला वाला सेशन जाकर के देख के आओ बच्चों, पिछला वाला सेशन जाकर के देख करके आओ। अजी आज सुबह बताया रेनेनिकल का वर्क, रिजेंट जहां पढ़ा रहे थे, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड सेवेटियर सेंड्रांस रिएक्शन। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो बच्चों, सेंड्रांस रिएक्शन का शॉर्ट नाम है, फिर सेंड्रांस रिएक्शन, ठीक है। व्हेन एल्केन्स एंड एल्कीन्स, सॉरी एल्कीन्स एंड एल्काइन्स आर रिएक्टेड विद H2 इन द प्रेजेंस, आप देखो देखो वो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा, आपको पता है ना निकिल पीट कैटलिस्ट है आपके, सुबह बताया है अभी, जो बच्चे सुबह थे वो जान गए हो, कैटलिस्ट है, बात खत्म, दिमाग ही मत लगाओ ज्यादा, कैटलिस्ट है जी। किस प्रकार का कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन करवाता है, क्या करवाता है बच्चों, हाइड्रोजिनेशन करवाता। तो देखो लाइक शेयर कर नहीं रहे हो, अब इसी पे ना सब मन करता है, इसको जल्दी जल्दी फाइंड अप करो, फिर रीजेंट वाले में यही हुआ है ना, तुम लोग जब नहीं रहते हो तो फिर मेरा मन नहीं लगता, आप बता रहे हो। द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, इस प्रकार के रिएक्शन को आप क्या कहते हो, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है, हाइड्रोजिनेशन करवाता है, किसकी प्रेजेंस में बच्चा, किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाता है, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाता है, पीटीपी एनआई में H2S, ठीक है। अब देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ एल, पेट्रोलियम, आप जो पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हो, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब जो है मेन सोर्स है एल्केन, क्योंकि उसमें एल्केन सी पाया जाता है, मीथेन इथेन, है ना। अब देखो ये एल्कीन क्या होता है, एल्कीन तो आप जानते हो CnH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के साथ, मैं करवा दे रहा हूँ इस व्यक्ति को, आपने दिया ये, ये लिया और इसमें डाला क्या, इसमें डाला आपने रहने निकल, क्या डाला, रहने है नहीं, रहने निकल कैटलिस्ट है, काम कौन करेगा, H2 करेगा, तो H2 है, एक एच इसके पास, एक एच इसके साथ जाकर के जोड़ आएगा, ज्यादा दिमाग क्या बन गया बच्चा, बताओ सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या बन गया, सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या बन गया बच्चों, बता दो बेटा क्या बन गया, एक हाइड्रोजन गया यहां पर लगा और दूसरा हाइड्रोजन यहां, बताओ ये एल्केन बन गया कि नहीं बन गया बच्चों,
बताओ एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म, मुझे नहीं लग रहा है कि मैकेनिज्म बताने की आवश्यकता है, लेकिन तुम लोग बताओ क्या हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बच्चों एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर तुम लोगों को मैकेनिज्म की भी नीड है तो आप बताओ कि मैकेनिज्म ही बताओ, तो मैं मैकेनिज्म ही बताऊंगा। अगर आपको मैकेनिज्म की जरूरत है बेटा तो आप बताओ, प्लीज आप बताओ, मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, है कि नहीं है। मैकेनिज्म ठीक है, चलो आगे देखो। आगे देखो, चले आगे बढ़े। अच्छा बता दें, ठीक है बात नहीं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कैटलिस्ट आपका जो है वो सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन को। ये मान लो निकिल का है, निकिल है, निकिल ने ना क्या किया, एच टू को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया, इधर एच और इधर एच, दोनों तरफ एच एच लगा लिया। ये आपका डबल बॉन्ड था ही, निकिल आया एक यहाँ पर छोड़ करके गया, दूसरे वाले पे बॉन्ड टूट ही जाएगा। अब देखो निकिल जब तोड़ेगा तो यहाँ पर एक एच प्लस एक एच माइनस भी तरीके से भी लोग कहते हैं हो जाता है ना, ऐसा भी होता है। तो क्या करना है आपको, एक एच इधर चला गया तो दूसरे वाले पे, अगर मान लो यहाँ पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर भी दूसरा एच चला जाएगा, बाकी तो चीज़ें बाकी चीज़ें जैसे नॉर्मल थी वैसे ही रहने वाली, बाकी चीज़ें जो नॉर्मल थी अगर मान लो आपने इसको लिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, एक एच आपका यहाँ पर चला जाएगा और एक एच आपका यहाँ पर चला जाएगा। दो नेक्स्ट है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रो। अब नेक्स्ट अनसेचुरेटेड तो अभी भी पढ़ रहे थे, बट अब एल्काइन पर तो दो बार अटैक करवा दो। आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया है ना, ट्रिपल बॉन्ड लिया है, एक बार एच टू का अटैक करवाओगे तो आपका डबल बॉन्ड बनेगा, देन फिर आप एच टू का अटैक करवाओगे। फाइनली बना क्या, एल्केन बना कि नहीं। अब अंतर इतना ही है कि जब आपने एल्काइन से रिएक्शन करवाया एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन निकिल या पीडी पीटी ये इन सब का कैटलिस्ट का, तो पहले एल्कीन बना और देन एल्कीन से आपका एल्केन, ठीक है। मुझे लग रहा है सिंपल सा रिएक्शन समझ रहे होगे। हाँ एक बात बता दो, क्या मुझे ना वन शॉट लाना चाहिए हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन मैकेनिज्म का, केवल हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाने चाहिए क्या? लो जरा कमेंट करो, क्या हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आने चाहिए क्या? तो बच्चों बता दो बेटा तुम लोग, क्या मुझे हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रिएक्शन लाने चाहिए क्या? इसके बाद है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड से एल्केन बना, तो ये टास्क है बड़ा, एल्किल हैलाइड से हम लोग कैसे बना अब देखो। रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्किन, ठीक है। डाइल्यूट HCl डालो, ठीक है, क्या दे देता है, क्या देता है, जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मैं बार बार बताता चला आ रहा हूँ, जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कोई संदेह नहीं है। प्लीज आप लोग कम से कम सेशन को लाइक शेयर तो कर ही सकते, आप अगर डिमोटिवेट हो सकते हो तो हम लोग भी तो हो सकते। ये आपका रहा, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड, जेड एन डाला, जिंक के साथ में आपने एस सी एल डाला, एस सी एल किस में टूटता है बेटा, एच प्लस और सी एल माइनस, आपका एस सी एल पड़ा हुआ है, ठीक है। सी एल माइनस इस सी एल को घसीट, जिंक देखो जिंक का काम है इस सी एल को पहले घसीटे, है ना, सीएल को जब घसीटेगा एक्स बन, आप ऐसे समझ यहां पर हुआ
समझो क्यों सर, ये रहा सी एस थ्री, यहाँ पर आपने ठीक है जडन टहल रहा था, पिंक आया इस सी एल, चलो भाई तुम हमारे जडन सी एल टाइप का कुछ बना। अब जब जडन सी एल टाइप का बना, यहाँ पर क्या टहल रहा था, एच प्लस टहल, तुरंत एच प्लस गया और अटैक कर दिया इस पर, आपका बन गया सी एच प्लस, आपका जो ये सी एल निकला था सी एल माइनस भी निकला था, वो भी तो निकला था। देखो यहाँ पर अभी बच्चे कहेंगे सर हमको ये नहीं समझ में आया कि आखिर में जो एच है वो दो दो बार कैसे, कुछ बच्चे अभी कहेंगे कि सर एच है वो दो दो, हम जनरली एच टू लिए थे, ने एच टू लिया था ठीक है, अब जडन डाला एस सी एल कीपर, अब क्या होगा, इसका एक एच जाएगा इसके पास और दूसरा एच जाएगा इसके पास, कैटलिस्ट का काम ये कर रहा है, मतलब आप टोटल अगर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें सी एस थ्री एक्स की, तो देखो ये बना लिया पहले जडन एच और एच ठीक है, इस जडन ये जडन गया पहले इसको निकलवा लाया ठीक है, यहां पर अटैक करके इसको निकलवा लाया इधर ठीक है। सर आप 10 हो तब ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, जेडन और ने क्या किया, अब एच एक्स आपका बाहर निकलवा दिया ठीक है, अब सी एस थ्री खाली बचा, दूसरा वाला एच पटक दिया वहां सी एस थ्री, तो यह बन गया सी एस थ्री एच। जंगल आर्ट्स थैंक यू बेटा एडवाइस के लिए, जरूर हम रिक्वेस्ट करेंगे बहुत जल्दी जो है, आप नहीं थे ना इसीलिए वो जो है एडवाइस आप कोई देने वाला था नहीं ना, बहुत दिन से मेरे भी दिमाग में था ऐसा कोई एडवाइस देने वाला था नहीं, तो आपने दे दिया तो मैं जरूर करूंगा इस पे अमल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी हाँ आप भी कुछ कर लो बेटा, कोई ऐसा ना हो कि जो है आप लाइफ में ऐसे ही पड़े रह जाओ, तो आप भी कर लो, हम तो बंद कर दें बात नहीं। चलो इसके बाद देखो इन द सेम वे जैसे वो रिएक्शन हुआ था वैसे ये फॉर द सेम वे द रिडक्शन ऑफ द जेड एन सी एल टू एजेंट है ना, हम लोग जेड एन सी एल टू को एज अ रिड्यूसिंग कर सकते हैं ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं ठीक। जंगल आर्ट्स चलो ठीक है मैं क्लियरली लिख रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका देखो सेम वे है, ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका 2H डाला गया जेडन की प्रेजेंस में, H प्लस एस सी एल का H प्लस पड़ा हुआ है आपका एल्किल, बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है देखो मैगनीज मैंने बता ही दी है, आपके पास ना एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है प्लस एच टू पड़ा हुआ है और जेडन पड़ा हुआ है और इसमें एच सी एल पड़ा हुआ है यानी एच प्लस डाला गया है ठीक है बेटा, तो अगर ये डाला गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका एल्केन बन जाएगा प्लस आपका क्या बन जाएगा एच एल बन जाएगा और देन अगर कुछ बचा हुआ होगा तो वो निकल जाएगा ठीक है। अब कुछ बचा हुआ होगा नहीं क्योंकि दो एच सी एल सीधा निकल जाएगा, अब एच एक्स टाइप का है ना, एच एक्स बोल लो क्योंकि एक्स यहाँ से निकल रहा है, मैं एल लिख दिया हूँ। अब देखो तुम लोगों को क्या समझना है, तुम लोगों को समझना है इसकी क्लासेस स्पेशल क्लास पे जस्ट चलने ही वाली है ना, वहां पर आइसोमेरिज्म हो रहा है, वहाँ पर आइसोमेरिज चल रहा और खासकर स्टीरियो पढ़ा रहे, तो जो बच्चे स्टीरियो में प्रॉब्लम है जिन्हें बहुत ही डीप चल रहा है, वहाँ पर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं बच्चे हमारे, कर भी रहे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वहाँ पर वो कर भी रहे हैं, तो आप स्पेशल क्लास पे आओ वहाँ पर चीज़ें डीप में मिलेंगी, ये इसको रिविजन के पर्पज से ही रखो। जंगल आर्ट्स कह रहे हैं आई सेड दैट नो वन इज अरे कोई बात नहीं जंगल, आपका नाम क्या है, अरे आप इतना भावुक क्यों हो रहे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था बेटा जंगल आर्ट्स जी, आप भावुक मत होइए। देखो मैं क्या है ना कि मेरे लिए ना तो एक बच्चा बहुत जरूरी है, एक बच्चा अगर होगा तो मैं उसे पढ़ा दूंगा है ना, और देखो अभी ना कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में आते हैं ज्यादातर, ये अलग अलग कहानी है, देखो मेरा काम है, देखो अपना काम ईमानदारी से करो, आप अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो आप जो है बेहतरीन ही होगा सब कुछ है ना, आप परेशान मत होइए, आप मुझे पता है आप जो है हमें लेकर के
भावुक हैं, कोई बात नहीं, है ना। देखो आप हमारी स्ट्रेंथ हो, आप हमारे साथ हो ना, मतलब मैं आपको सुपरस्टार से भी बड़ा स्टार, आप हो बस ना। एक बच्चा अगर मेरे साथ है, यस, तो हाँ सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहो, जितने बच्चे हैं उनसे तो कम से कम रिक्वेस्ट कर ही लें, सेशन को लाइक शेयर करते रहो। और मुझे लग रहा है ना सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, इसके आगे मुझे कल करना चाहिए, है ना, इसके आगे मुझे कल करना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, आई लव यू।